नमस्ते, मैं हूं बच्चाली। वेलकम टू बच्चालीज किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ चीज़ कॉर्न बॉल, जो बहुत ही सुपर टेस्टी एक स्नैक्स रेसिपी है। और ये बनाने के लिए ना हमें ब्रेड क्रम की ज़रूरत है और ना ही कोई आलू। तो हम बनाएंगे ये सिर्फ चीज़ और कॉर्न से, और सिर्फ एक ब्रेड से, जो बहुत ही मज़ेदार होगा और सबसे आसान रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं चीज़ कॉर्न बनाने के लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स की ज़रूरत है। मैंने यहाँ पे एक बोल ले लिया है और मैंने लिया है 100 ग्राम के करीब कॉर्न, जिसको मैं एक ग्लास पानी के साथ 2-3 मिनट के लिए बॉईल कर लूँगी। गैस को मैंने ऑन करके पानी को बॉईल करने के लिए रख दिया है। 2-3 मिनट में पानी में अच्छे से उबाल आ जाएगा। पानी में अच्छे से उबाल आ गया है तो इसमें अब मैं कॉर्न को डालने वाली हूँ। 2-3 मिनट के बाद पानी को ड्रेन आउट करेंगे। 2 मिनट हो गया है, अब कॉर्न को हम लोग पानी से अलग कर लेंगे। मैंने यहाँ पे एक छलनी रख दिया है और इसके ऊपर मैं कॉर्न के साथ पानी को डाल दूंगी। ठंडे पानी की मदद से मैं इसको एक बार धो लूंगी ताकि ये कुक होना बंद हो जाए। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। आप चाहे तो कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं, बाज़ार में नॉर्मल जो चीज़ आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे क्यूब वाला। तो आप अगर छोटे क्यूब यूज़ कर रहे हैं तो आप 3 से 4 लीजिए। मैं यहाँ पे 70 ग्राम के करीब मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ और इसको मैं बहुत अच्छे से ग्रेट कर लूँगी। चीज़ का छोटे छोटे पार्ट जो नीचे आ रहा है उसको भी हम लोग ग्रेट कर लेंगे। चीज़ को मैंने ग्रेट कर लिया है। यहाँ पे मैंने एक बोल ले लिया है जिसमें मैं स्टफिंग रेडी करूँगी। इसके लिए मैंने लिया है 1 मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको मैं बारीक बारीक करके काट लिया है। और इसके साथ जाएगा 2 से 3 हरी मिर्च, इसको भी मैंने बारीक कर लिया है। और जो कॉर्न मैंने पहले से बॉईल करके रखा है वो भी डाल दूँगी। और ये चीज़ जिसको मैंने पहले से ग्रेट करके रखा है वो भी हम इसमें मिक्स कर लेंगे। अब इस मिक्सचर में थोड़ा सा मसाला यूज़ करेंगे, जैसे कि 1/4 टीस्पून नमक, 1/4 टीस्पून या 1/2 टीस्पून के करीब ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून चिली फ्लेक्स और साथ साथ 1/4 टीस्पून ओरिगानो। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स और ओरिगानो ना हो तो आप इसमें चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्टफिंग हमारा रेडी है। यहाँ पे मैंने लिया है 7 से 8 ब्रेड के स्लाइस। मैंने यहाँ पे ब्राउन ब्रेड लिया है, आप चाहे तो वाइट ब्रेड ले सकते हैं, पर हाँ मल्टीग्रेन ब्रेड अवॉइड करें। ब्रेड के चारों साइड को हम अच्छे से कट कर लेंगे। ब्रेड का जो अंदर का पोर्शन है वो हमें चाहिए स्टफिंग भरने के लिए। ऐसे ही करके 7 से 8 ब्रेड लेंगे और उसको चारों तरफ से ऐसे कट कर लेंगे। एक बोल में थोड़ा सा पानी ले लेंगे। अब एक एक ब्रेड स्लाइस लेंगे और पानी में डिप करेंगे। उसके बाद दोनों हाथों की मदद से पानी को अच्छे से निचोड़ लेना है। अब स्लाइस के अंदर मैंने 1 चम्मच के करीब स्टफिंग रखूंगी और स्टफिंग रखने के बाद ब्रेड के चारों तरफ से ऐसे बंद कर देंगे और दोनों हाथों की मदद से इसको एक बॉल शेप दे देंगे। अगर आप चाहें तो इसको सिर्फ राउंड शेप में नहीं, आप इसको ओवल शेप में भी बना सकते हैं। ब्रेड को गीला करने के बाद स्टफिंग भरने का जो काम है वो आपको बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ब्रेड फट सकता है और उधर से स्टफिंग बाहर भी आ सकता है। अगर ऐसा कभी लगे कि स्टफिंग यहाँ से बाहर आ सकता है तो आप सूखा ब्रेड ले लेना और हाथ में जितना पानी है उतना पानी से इसको बहुत अच्छे से सॉफ्ट कर लेना, और उसके बाद जिधर से आपको लग रहा है कि इधर से स्टफिंग बाहर आ सकता है तो उधर आप ये अच्छे से कवर कर देना तो ये बन जाएगा। तो ये कवर हो जाने के बाद आप अपने मनपसंद कोई ना कोई शेप इसको दे दीजिए। ऐसे करके हमने सारे ब्रेड के अंदर ही स्टफिंग भर के रेडी कर लेंगे। ऐसे करके मैंने सारे ब्रेड में अच्छे से स्टफिंग भर लिया है और हमारा चीज़ कॉर्न बॉल रेडी है। अब मैं इसको 20 मिनट के लिए फ्रिज में रखूंगी, फ्रीज़र में नहीं। अगर आप इसको 1 हफ्ते तक चलाना चाहते हैं तो आप इसको एक एयरटाइट कंटेनर में रख के डीप फ्रीज में रख सकते हैं। 20 मिनट हो गया है तो मैंने इसको फ्रिज से बाहर निकाला।
आप इसको 3 से 4 दिन के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये 3 से 4 दिन या 1 हफ्ते तक अच्छा ही रहेगा डीप फ्रीज में। तो चलिए अब इसको फ्राई करते हैं। मैंने यहाँ पे 1/2 कप के करीब ऑयल लिया है इसको फ्राई करने के लिए। ऑयल अभी बहुत ही गर्म है तो बहुत ही सावधानी से एक एक पीस हम लेंगे और तेल में अच्छे से इसको छोड़ेंगे ताकि तेल बाहर ना आए। मैं इसको डीप फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं एक चमचे की मदद से चारों तरफ इसको बहुत अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आ जाने तक फ्राई करूँगी और चमचे की मदद से मैं इसके ऊपर ऊपर ऑयल को डाल रही हूँ कि चारों तरफ ये अच्छे से फ्राई हो जाए। आप चाहे तो इसको डीप फ्राई कर सकते हैं। और चीज़ कॉर्न बॉल को हम लो टू मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे क्योंकि इसका ऊपर का जो लेयर है वो हमें एकदम डीप ब्राउन कलर नहीं चाहिए, हमें थोड़ा लाइट ब्राउन कलर चाहिए। तो अगर हम हाई फ्लेम में पकाएंगे या फिर एकदम मीडियम फ्लेम में पकाएंगे तो इसका जल्दी से इसका कलर चेंज हो जाएगा और ये अच्छे से फ्राई नहीं होगा। तो इसको क्रिस्पी बनाने के लिए हमें लो टू मीडियम फ्लेम रखना है। चीज़ कॉर्न बॉल के एक एक बैच फ्राई करने के लिए हमें 4 से 5 मिनट लगेगा। चीज़ कॉर्न बॉल अच्छे से फ्राई हो गया है तो हमें कलची की मदद से चीज़ कॉर्न बॉल को अच्छे से निकल लेंगे और कलची को मैं थोड़ा सा साइड करके रख रही हूँ ताकि एक्स्ट्रा जो तेल है वो नीचे आ जाए। तो मैंने सारे चीज़ कॉर्न बॉल को ऐसे फ्राई कर लिया है 2 से 3 बैच में। तो चलिए अब इसको सर्व करते हैं। मैंने यहाँ पे केचप लिया है और साथ साथ मेयोनीज भी लिया है सर्व करने के लिए। आप अपने मनपसंद कोई भी डिप यूज़ कर सकते हैं इसको सर्व करने के लिए। ये ब्रेड से बनी है इसलिए बहुत ही क्रंची है। प्लीज़ आप ये घर में एक बार बना के देखिए और मेरे साथ शेयर कीजिए आपको कैसा लगा। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपको कैसे लगा है। और हाँ, न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं।